हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बहेती रिसाइकिलिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं चलिए शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है देखिए ये जो कंपनी है ये कंपनी 1994 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 25 साल से भी ज़्यादा ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं तो देखिए ये जो कंपनी है ये कंपनी एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करने का ये कंपनी काम करती है और जिसके अंदर अगर हम देखेंगे और उसके अंदर ये जो कंपनी है ये कंपनी एल्यूमिनियम एलॉयज बनाने का ये कंपनी काम करती है जो की इनगोर्ड के फॉर्म के अंदर ये कंपनी बनाने का काम करती है उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो डीऑक्स ऑक्स एलॉयज होते हैं जिसको कंपनी क्यूब हो गया शॉर्ट हो गया नॉच हो गया तो उनके फॉर्म के अंदर ये कंपनी उसे बनाने का काम करती है उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो एल्यूमिनियम क्रैप होता है ब्रश क्रैप होता है कॉपर क्रैप होता है तो उसकी ट्रेडिंग में भी ये कंपनी काम करती है यानी कि कई और से लेके फिर उसे हाइयर प्राइस पे सेल करने का ये कंपनी काम करती है तो देखिए ये जो ट्रेडिंग वाला काम होता है ये काफी लो मार्जिन वाला बिजनेस रहता है यहाँ पे हार्डली एक या दो परसेंटेज के नेट प्रॉफिट के मार्जिन हमें वहाँ पे कंपनी के देखने को मिलते हैं अब अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए देगाम के अंदर ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें कंपनी का नज़र आता है जो कि गांधीनगर गुजरात के अंदर हमें यहाँ पे नजर आता है और अगर हम उसकी टोटल कैपेसिटी की के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ट्वेल्ल थाउजेंड मिलियन टन की हमें यहाँ पे कंपनी की टोटल कैपेसिटी नज़र आती है तो देखिए अभी एक छोटी कंपनी है और जब अगर खुद की मैनुफैक्चरिंग अगर यूनिट बनी हुई है और अच्छी का अच्छी कैपैसिटी है तो उस पॉइंट ऑफ से डेफिनेट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी नजर आती हैं तो देखिए अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए टाटा स्टील हो गया सनफ्लैग आयरन हो गया मिंडा कॉरपोरेशन तो ये जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को थोड़ा एक्सपांड करना है तो उसके लिए कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और जो आईपीओ के एक्सपेंसिज की अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पे लगभग अभी बारह करोड़ का आईपीओ तो मेरे ख्याल से लगभग चालीस से पचास लाख रुपए के कंपनी के आईपीओ के एक एक्सपेंसिव होंगे तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है अब अगर हम कॉम्पिटिव रैंक की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी खुद की बनी हुई है और वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस इन्होंने बना रखा है क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है और क्वालिटी के ऊपर ये कंपनी फोकस करती है और जो स्टैंडर्डाइड पूरा प्रोडक्ट क्वालिटी होता है वो पूरा स्टैंडर्डाइज यहाँ पे ये कंपनी बनाने की कोशिश करती है उसके अलावा अगर जो क्लाइंट बेस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए टाटा स्टील सनफ्लैग आयरन तो ये जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ है तो ये हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नज़र आते हैं लेकिन कहीं ना न कहीं अगर आप देखोगे तो पिछले दो तीन साल से मेडल कंपनीज़ का जो बिजनेस है वो भी वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है लेकिन अभी, अभी अभी अगर आप देखोगे कुछ क्वार्टर से प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती हुई नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा अगर हम देखेंगे तो इनका सप्लायर बीच भी, भी अच्छा कर रखा है जिससे ये रॉ मटेरियल ये लेते हैं टूथ पॉइंट हमें यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है और यहां पर अगर हम प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपीरियंस प्रमोटर से पच्चीस साल से भी ज्यादा उन्हें इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो ये हमें काफी अच्छी बात यहाँ पे नजर आती है अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए शंकर लाल बंशीलाल झा ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं उसके अलावा बालकिशन शंकरलाल झा बाल और यश शंकर भाई चाह ये तीनों हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं तो देखिए अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक सौ पांच करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे और दो हजार बाईस तक ये नंबर टू फोर्टी नाइन करोड़ पे आ गया था ऑलमोस्ट तो तीन साल में डबल से भी ज्यादा कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें बढ़ते हुए नजर आए थे और अगर हम अभी दो महीने की अगर हम बात करेंगे तो लगभग फिफ्टी सेवन करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर लिया है यानी कि पर मंथ का रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो लगभग तीस करोड़ के लगभग यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर हमें चलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग साढ़े तीन सौ से चार सौ करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे पूरे साल में कंपनी

लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के कंपनी की बोरिंग की अगर हम बात करेंगे तो 45 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के ऊपर टोटल लोन है और लगभग यहाँ पे चार से पांच करोड़ का कंपनी हर साल हमें इंटरेस्ट पे करती हुई नजर आती है तो वो इंटरेस्ट को पे करने के बाद में अगर इतना अच्छा नेट प्रॉफिट अगर ये कंपनी कमा रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 नवंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 30 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा यानी कि आने वाले मंडे को खुलेगा और वेनजडे को ये आईपीओ बंद हो जाएगा यहाँ पे 45 पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है और तीन हजार शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है यानी कि एक लाख पैंतीस हजार रुपए यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगेंगे अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो ट्वेल्व करोड़ फोर्टी टू लाख रुपीज का ये आईपीओ नजर आता है इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सिक्स करोड़ ट्वेंटी वन लाख रुपीज का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा जराता है अह ये एनएसटी के एसएमई प्लेटफार्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी और कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अभी करंटली कंपनी का टाइम टेबल नहीं आया है तो देखिए 30 नवंबर को अगर ये आईपीओ बंद हो रहा है तो ये मान के चलिए कि लगभग 7 से 8 दिसंबर के लगभग हमें ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी तो देखिए यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लॉट को अप्लाई करने के लिए वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज लगेंगे अगर आपको एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एच एन आई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे दो लाख की मैक्सिमम लिमिट होती है तो इसीलिए आप रिटेल कैटेगरी के अंदर दो लॉट की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अभी आने वाले पांच छह महीने की अगर हम बात करेंगे तो मेटल कंपनीज के लिए यहाँ पे बुरे हो सकते हैं और हो सकता है कि आने वाला एक साल खास करके अगले साल के जून जुलाई तक अगर हम बात करेंगे तो दिक्कतें वहां पे मेटल कंपनीज के लिए बनी रह सकती है, तो इनके जो कस्टमर्स है अगर वहां पर नजर आ रही है तो हो सकता है कि आ, कुछ क्वार्टर में रेवेन्यू के, के हमें कम नजर आएंगे जो हमें कंपनी के नजर आते आ, आ तो नंबर है तो डेफिनेटली और हो सकता है कि इतना बड़ा इतना कम जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है तो कहीं ना कहीं ये कंपनी हमें लॉस में भी आती हुई नजर आ सकती है तो मार्केट पास्ट डेटा को देखता हुआ हमें नजर आएगा तो पॉइंट ऑफ मेरे ख्याल से लिस्टिंग अप्लाई करना चाहिए

मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा ओके दोस्तों थैंक यू हैव नाइस डे